दयाल बाग रोड स्थित ड्रीम एंड डिजायर एकेडमी के 10वें स्थापना दिवस पर आयोजित हुआ सम्मान समारोह और रम्या 2022 सम्मान के मेकअप आर्टिस्टों को किया गया सम्मानित। महिलाएं हों या पुरुष, सुंदर दिखने के लिए वे मेकअप का सहारा लेने से हिचकिचाते नहीं हैं। अब सिर्फ एंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के लोग ही नहीं बल्कि आम लोग भी मेकअप आर्टिस्ट से अपना मेकअप करवाते हैं। अगर आपकी मेकअप करने में रुचि है तो आप इसी में अपना करियर बना सकते हैं। ये कहना था मंगलवार को दयालबाग रोड स्थित ड्रीम एंड डिजाइनर ब्यूटी अकेडमी के 10वें स्थापना दिवस और रम्या 2022 पुरस्कार वितरण समारोह के मुख्य अतिथि शिवानी अग्रवाल का। समारोह का शुभारंभ माँ सरस्वती के समक्ष मुख्य अतिथि ज्वलन सांस्कृतिक सेवा समिति के अध्यक्ष शिवानी अग्रवाल, लघु उद्योग भारती प्रदेश सचिव मनीष अग्रवाल, राग रंगनाथ स्कूल ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स की निदेशिका दीपाली सिंह, संस्थान की निदेशिका डॉक्टर रेणु सिंह और कार्यक्रम संयोजक पदम सिंह ने दीप प्रज्वलित कर किया। निदेशिका डॉक्टर रेणु सिंह ने कहा कि 10वें स्थापना दिवस पर रम्या 2022 सम्मान समारोह में नए दौर नई सोच के साथ आए परिवर्तन को सम्मानित किया गया है। आजकल पर्सनैलिटी डेवलपमेंट में भी बेसिक मेकअप में लुक्स, चेहरे की शेप, आंखों की शेप, कलर करेक्शन, हेयर स्टाइलिंग, नेल आर्ट, साड़ी ड्रेसिंग जैसी चीजों का ध्यान रखा जाता है। धन्यवाद करण तनेजा ने दिया। इस अवसर पर स्वामीबाग टाउन के पूर्व वाइस चेयरमैन सतीश चौहान, पीएनबी बैंक के सेवानिवृत्त वरिष्ठ प्रबंधक जगदीश सिंह, शिवानी अग्रवाल, रिहान सिंह, विराज सिंह, अमनजीत रश्मि आदि मौजूद रहे। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से आदर्श शर्मा की रिपोर्ट। और ऑल द बेस्ट सपोर्ट भी, सब लोग बहुत अच्छे से कर रहे हैं और आगे भी अच्छा और बहुत अच्छा सही कर रहे हैं। इस तरह का सैलून है, मुझे तो जैसे मैंने अभी देखा, सारी कैबिनेट्स देखे, सारी कैटेगरीज देखी मैंने, बहुत ही ज़्यादा अच्छा और बहुत ज़्यादा स्पेसियस है और बहुत सारी, मुझे ऐसा लग रहा है कि यहाँ पर फैसिलिटीज़ भी बहुत है मेकअप के लिए। तो मैम को ऑल द बेस्ट, सर को ऑल द बेस्ट, सबको, बच्चों को, कि सब बच्चे अच्छा से आगे भी और करते रहें। ठीक है, थैंक यू। आगे का दिन है कि ड्रीम्स एंड राइज डिजायर एकेडमी को 10 वर्ष हो गया और ये सैलून के रूप में शुरुआत की गई थी और आज एक इंस्टीट्यूट के रूप में ये आगरा के, आगरा में शिक्षा के क्षेत्र में विस्तार दे रहा है। और रेणु जी जो कि इसकी संचालिका है, बहुत ही अच्छे से बच्चों को यहाँ पे मेकअप के क्षेत्र में शिक्षित कर रही है और उनका प्रयास बहुत ही सार्थक है। यहाँ से बच्चे अच्छी शिक्षा प्राप्त करके रोजगार के लिए काफ़ी अच्छे अवसर उनको मिले और काफ़ी जगह यहाँ से जा रहे हैं। और 10 वर्ष पूर्ण होने पर मुझे लगता है कि 10 वर्ष ऐसे पूर्ण हो जाते हैं किसी विचार को, बहुत ही सार्थक प्रयास किए गए होंगे और बहुत ही अच्छा प्रयास इनका है। और पूरे इंस्टीट्यूट के सभी बच्चों को उज्जवल भविष्य की कामना करते हैं और लगातार निरंतर ऐसी प्रगति करें, इसके लिए शुभकामनाएं। आगरा के सर्वाधिक सबसे लोकप्रिय चैनल प्रातः दर्पण न्यूज चैनल के यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें। चैनल के फेसबुक, ट्विटर, इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो करें।